दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। ईद के उपलक्ष में अग्रिम हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में जो हम चार ही त्यौहार मनाते हैं, एक तो रमजान हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, पोंगल हो गया, ये चार के अलावा कोई त्यौहार मनता ही नहीं है। और हर जो भी हिंदू लड़का है अपना इस बात पे गर्व करता है कि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, अभी इस पे रमजान ईद के समय जाके हमें बिरयानी खाने को मिलेगा, अपने घर में जाकर बैठ के मेहमान बन के जाएंगे। और मुस्लिम जो लड़के हैं या जो भी फैमिली वाले हैं वो ये इस बात की गर्व करते हैं कि इतने हमारे हिंदू दोस्त हैं, इनके परिवार में हमें भाग लेना, मतलब फंक्शन में भाग लेने को। हम ये कहना चाहते हैं कि बदमाश इंसान होता है, सबको मेरा प्रणाम। दुनिया लेकिन वो नाली कैसी दूसरी तरफ नाली मैं और इनके गोस्वा रखे हुए हैं, उनको उठाया तो भाई लोग की नाली को मैंने खुद मतलब तबाह तबाही करवाया। कैसे रामनवमी का त्यौहार अभी बीत चुका है, लेकिन जमशेदपुर बहुत ही भाग्यशाली रहा कि इस बार रामनवमी का त्यौहार में दंगा नहीं हुआ। दंगा होने का दो तीन कारण प्रमुख था। पहले कि प्रशासन बहुत ही सचेत था और उसके पास उसके साथ ही साथ हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, सभी ने लोगों ने रामनवमी जैसा पर्व को पार कर दिया। और अब बहुत बड़ा पर्व है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग के लिए है, जो रमजान के बाद ईद आने वाला है। ईद पर्व भी बहुत शांतिपूर्वक पार हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ आज आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में शांति समिति मुख्तार आलम जी है, जो बहुत अधिक सोशल वर्क काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अर्पुरुआ पाल जी हैं, जो रामनवमी शांति समिति और साथ ही साथ सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। आज इस विषय में दोनों से चर्चा करते हैं। सर, हमारी जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है, हमारे इसमें उलमा होते हैं, इमाम होते हैं, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, सारे लोगों को साथ हम लोग बैठते हैं। और जिला प्रशासन की टीम रहती है, जिसमें पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग रहते हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिलजुल के हर चीज़ों को तय करते हैं, क्योंकि त्यौहार खुशी का पैगाम लाता है और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी त्यौहार खुशी से ही मनाया जाए, किसी तरह के उसमें रंजिश ना रहे। हम लोगों ने पिछले दिनों रामनवमी त्यौहार जो बीता हमारा, करीब करीब 15 साल से हम लोग रामनवमी त्यौहार आज़ाद नगर के लोग, शांति समिति के लोग, छेपा पुल में दोनों लाइसेंसियों का, शंभू त्रिवेदी जी का, तारक मुखर्जी का, ये लोग का हम लोग अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करके उनको बाकायदे हम लोग यहाँ से विदाई देते हैं और बहुत ही खुशगवार माहौल में हमारे आज़ाद नगर थाना से इन लोगों को विदा करते हैं। रामनवमी बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, ख़ास करके इसमें आज़ाद नगर थाना प्रभारी है, हमारे DSP, हमारे SCTSP, ADM साहब, इन लोग का बहुत ऑपरेशन रहता है कि आप लोग इसी चीज़ों को कीजिए, ताकि ये दूसरे हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी अच्छा मैसेज जाए और लोग हर त्यौहार को बिल्कुल खुशगवार माहौल में मनाएं। ये आज की ये मीटिंग ईद उल फित्र के मौके पर थी, इसमें ख़ास करके बिजली के बारे में आवाज़ उठाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली बहुत ज़्यादा कट रही है। जैसा कि विभागीय लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड है और जिसकी वजह से जगह जगह तार टूट जा रहे हैं या फ्यूज उड़ जा रहे हैं या मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। तो गर्मी का भी है और लोड भी ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने कहा है, लेकिन हमारे ADM साहब ने कहा है कि ये सब सारी चीज़ों को आप जैसे भी ठीक कीजिए और ईद के दिन कम से कम खूब अच्छे से बिजली दीजिए, ताकि हम लोग खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं। मैं सबसे पहले रमज़ान के पवित्र महीना और ईद उल फित्र, आने वाला जो ईद उल फित्र का त्यौहार है, मैं उसके लिए अपनी दुर्गा पूजा समिति और हमारे हिंदू समुदाय के तरफ से मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद उल फित्र का त्यौहार सभी लोग मनाएं। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में यह त्यौहार मनाया जाता है और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। काफ़ी कम समय बचा है, मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके लिए वो उचित कदम उठाए, बिजली की आपूर्ति जो है उसको सुचारू ढंग से उसको 24 घंटे के लिए सप्लाई की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था देखें, साफ़ सफाई के लिए सभी नगर निकायों को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान और काम होना चाहिए। सर देखिए, भारत भूमि पर हम जन्म लिए हैं और 365 दिन में जो सभी समुदाय के जो त्यौहार हैं उसको जानना, उसको समझना और उसके प्रति प्रेम भावना रखना सभी भारतीयों का मूल कर्तव्य है। लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन बहुत सचेत है, रामनवमी बहुत अच्छा से पार किया और ईद भी आ रहे हैं सर, और इसके बाद पंचायत चुनाव,
सर इसके लिए सर क्या क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए प्रशासन हमेशा चाहती है लोग अमन चैन से रहे, खुशी से रहे, और इसी के लिए हम लोग की बहाली हुई है कि लोगों को सुख सुविधा रहे, किसी तरह से तनाव में नहीं रहे। तो इसके लिए हम लोग ने कई तरह का तैयारी किया। एक तो दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हमने ईद के उपलक्ष्य में कर दिया है और आजकल में निकल जाएगी लेटर्स। दूसरा है कि पंचायत चुनाव में भी उसी तरह से हम लोग एक एक करके फेज वाइज हम लोग करेंगे। रामनवमी में देखे होंगे कि हम लोग हर कदम कदम पे हम लोग प्रिकॉशन लिए थे। ईद मुहर्रम में भी हम लोग ने इसी तरह से लेते हैं ताकि हम लोग नहीं चाहते कि इसी प्रकार का कोई बाद में तनाव हो। दुर्गा पूजा में भी आप देखे होंगे, और इसलिए चूँकि हमारे पास आम जनता का सहयोग रहता है, सर इसलिए जनता को सहयोग लेने के लिए आपको जनता के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जनता अपने नहीं आएगी, आपको जनता के पास जाकर आपके अपना प्लान बताना पड़ता है कि हमको क्या करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है। जब हम उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं जानते, तब इस प्रकार की घटनाएं होती है। कम्युनिकेशन में टू वे सिस्टम होनी चाहिए, जनता भी जाने, नागरिक को भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। नागरिक को जो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्सपेक्टेशन भी पूरी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अभी नाली का बात कहे, कहीं कचरा फेंका हुआ उसकी बात कहे, कहीं आपको पावर कट की बात बोले, कहीं पानी सप्लाई की बात कहे, उनकी बात जो हम कर सकते हैं वो चीज़ हमको करना चाहिए। अब जब वही नहीं करते हैं तो लोगों का एक गुब्बारा आता है, लोगों का एक आक्रोश आती है, और वही आक्रोश दूसरे रूप में दिखाई देता है। सर इस बार प्रशासन 400 कैमरा जो टाटा स्टील दे रहा है, हाई रेजोल्यूशन बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, सर उसके बारे में थोड़ा चर्चा? ये अभी हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था, दे हैव एग्रीड, वो लोग इस पे सहमत हो गए हैं कि हम 400 कैमरा दे देंगे, आप खाली हमको साइट दे दीजिए। तो अभी साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, तीनों स्पेशल अफसर कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग दे देंगे साइट, और फेज वाइज अलग अलग करके पहले 200-300 करते करते लगातार एक साल में 400 कैमरा हमारे लग जाएंगे। इससे 2022 के ईद के शुभ अवसर पर मैं झारखंड ही नहीं तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को मैं ये अपील करूँगा के सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाएं, और आने वाले कल हम लोगों का ये हिंदुस्तान का कल सुनहरा कल हो। और मैं ये कहूँगा कि सियासत में न पड़ें, मिलजुल कर रहें। अब इसी से जो ये कहा जाता है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया है, उसे बनाए रखें हम लोग, यही हमारी आप लोगों से अपील है, और मैं आप उम्मीद करूँगा कि आप इसे कबूल करेंगे। जनाब पाल साहब ने जो बात आपसे कही, वो उनके तरफ से जो बयान है वो आप समझ सकते हैं कि ये उनकी अपनी सोच है। ठीक वैसे उलट इधर देखिए, इधर हमारी भी सोच है। हिंदू भाई जितने हैं, जितने करीब हैं, उतने हम उनके भी करीब हैं, दोनों का एक ही हाल है। और यकीन मानिए मैं तो ये कहूँगा, जो गंगा जमनी तहजीब जो हम लोग आधे हमेशा कहते रहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब अगर आपको देखनी हो तो आज़ाद नगर मानगो आप आ जाएँ तो मजमा आ जाएगा कि इसी कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। ईद जैसे महान पर्व में सभी समुदाय को साथ लेके चलना, और प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज़ाद बस्ती बहुत बड़ी घनी आबादी वाली जनसंख्या वाले क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली पानी मूलभूत समस्या के साथ साथ आपको वह समस्या भी ध्यान देने का ज़रूरत है। किसी प्रकार दंगा नहीं हो, सबसे बड़ा पर्व यही है कि दंगा नहीं हो। अभी भारत सरकार ने कानून पारित किया है जिसमें फिंगरप्रिंट, आई और किसी प्रकार का भी अगर दंगा होता है तो उसका ऑटोमेटिक स्क्रीन फोटोग्राफ हो जाएगा, और वह सबूत का तौर पे उसको सजा दिलाने में बहुत बहुत ही बड़ा योगदान करेगा। आप यह मत सोचिएगा कि भीड़ में कोई से पत्थर चला दे और हम भाग जाए, आप बच नहीं निकलिएगा। जिला प्रशासन 400 कैमरा लगवा रहा है जो हाई डिफिनेशन है, जिसमें एक एक चीज़ दिख जाएगा, आपका नंबर भी दिख जाएगा, और प्रशासन को जब दिख जाएगा तो प्रशासन उसको कहीं से भी खोज के उसको अरेस्ट करके सजा दिलाएगा। इसी प्रकार शांतिपूर्वक पर्व त्यौहार मनाया जाए, रामनवमी के तरह ये ईद पर्व भी बहुत शांतिपूर्वक से बीत जाएगा, यह हमारी कामना है। और एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को, साथ ही जमशेदपुर वासियों को ईद के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।